विकेट ना ऋषिकेश याचा हा चेंडू आणि लॉफ्ट केलाय जास्त उंची आणि अंतर सुद्धा असेल का एका टप्प्याने चेंडू सी मारेच्या पलीकडे जातोय कारण पी वन चं षटक आहे पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या इनफील्डच्या डोक्यावरून काढलं क्षेत्ररक्षकांसाठी कुठल्या प्रकारची संधी नव्हती पहिल्याच चेंडूवर चौकार येतोय थोड़ा सा रिस्की स्ट्रोक था सूरज देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी है वो कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़े से दूर रह गए काफ़ी देर हवा में रही थी 100% टाइमिंग नहीं था स्ट्रोक में लेकिन इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब रहे और वही तो करना होता है आपको पावर प्ले के ओवर्स में बहुत ही दमदार शुरुआत देते हैं दोनों भी सलामी बल्लेबाज श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को ऋषिकेश भुईर ने गेंदबाजी की शुरुआत की है चौके के साथ खाता खुला है पहली गेंद पर जामुलपाड़ा टीम का पावर प्ले में खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है अजय पारदी का और ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत लंबी पारियां नहीं खेली है उन्होंने लेकिन पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है पहले ओवर में कई बार देखा गया है कि 15-20-25 रन बनाए हैं इन दोनों भी बल्लेबाजों ने और इस सीज़न में खासतौर पर अजय पारदी बढ़िया फॉर्म में है सुरेश पारदी की तो लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं ओहो फिर से हवा में लेकिन इस बार फील्डर पहुंचेंगे जी हाँ पहुंच गए वहां पर मनीष दो रन लेने का मौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस बार उठा के खेल दिया था सामना मोटा है पाहिल्यानंतर मात्र जय महाराष्ट्र भोरपाड टीम च्या कॅप्टनच्या माध्यमातून सुद्धा रणनीति अजय पाहायला मिलते कारण मागील जे सामने भोरपाड टीम इथे खेळला आहे दुर्गेशनं सुरुवात केली गोलंदाजीच्या माध्यमातून आणि दुर्गेशनं दोन सामन्यांमध्ये गोलंदाजीच्या जोरावर सामनावीराचा पुरस्कार सुद्धा पटकावला परंतु या सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर प्रथमतः ऋषिकेश याला नक्कीच अटॅकवर लावण्यात आलेलं आहे बदली भी रणनीती आहे इस बार ऑन द राइज उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन फील्डर से दूर गेंद सीमा रेखा के बाहर देखना है चार या छह अंपायर का कंफर्मेशन आना अभी बाकी है इशारा अभी तक आया नहीं है लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जरूर चली गई है क्या ये बाउंस पर बाउंड्री के बाहर चली गई है या फिर सीधे जाकर पर्दे पर गिरी है काफी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद लगभग वाइड गेंद को उन्होंने ऑन साइड में लपेटा है टीवी अंपायर की मदद ली जा रही है रिप्ले की मांग की है वहां पर अंपायर ने तो रणनीति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ऋषिकेश आज टीम में आए हैं और पहला ओवर वो कर रहे हैं जबकि दुर्गेश ने पहले दो मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं जिसमें एक बोल्ट की हैट्रिक भी शामिल है एकमात्र गेंदबाज इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बोल्ट की हैट्रिक की है यस थेट चेंडू पडद्यावर जाऊन पडलेला आहे तर 7 धावांचा इशारा येतोय 7 धावा नोंदवल्या जातील अजय या खेळाडूचा जर विचार केला अजय तर नक्कीच मी तर म्हणेन केवळ एक सिंगल फटाका नाहीये फटाक्यांची पूर्ण माळ आहे नियमितपणे नक्कीच ते फटाके वाजत असतात त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून किंवा त्याच्या खेळीच्या माध्यमातून आपको तो फटाका नजर आ रहा है मुझे तो बम नजर आ रहा है भारी भरकम शरीर खड़े खड़े और बड़े बड़े शॉट्स खेल लेते हैं अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट देखिए फिर से घुमाया है कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का 4 रन रन मशीन धावांचं यंत्र म्हणावं लागेल अजयला जबरदस्त ज्या प्रकारची त्याची शरीर शैली आहे दिप्पाट देह शरीर यष्टी आणि तशाच प्रकारचे नक्कीच फटके त्याच्या बॅटमधून येतात पहा षटकार आणि चौकारांच डील करतो या खेळाडू जणू काही चौकार षटकारांचा हा महोत्सव फेस्टिवल आहे आतापर्यंत एकूण 16 धावा त्याच्या बॅटमधून पूर्णपणे खर्चिक षटक ऋषिकेश याचा ओवर द विकेट नेक्स्ट बॉल हो यावेळेस मात्र अपील आहे प्रश्न विचारला गेलाय पंचांना परंतु पंच स्वीकृती देत नाहीयेत अर्थात खेळाडू सुरक्षित आहे परंतु एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो या गोलंदाज ऋषिकेशच्या माध्यमातून पडघा टेनिस क्रिकेट का यदि जिक्र किया जाए तो इस सीजन में इस बीच ऊपरी किनारा लगा है किस्मत वाले रहे वहां पर अजय पारदी विकेट कीपर के ऊपर से चली गई एक क्रम पूरा करते हुए वहां पर दोनों भी बल्लेबाज स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अभी भी एक और ओवर है पावर प्ले का तो मैं पीटीसी की चर्चा कर रहा था इस सीजन में विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम ने 3 टूर्नामेंट जीते हैं श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम ने भी 3 टूर्नामेंट्स जीते हैं पीटीसी में तो दोनों टीमों के बीच में ज़बरदस्त रेस लगी हुई है नंबर 1 के लिए यदि जामुलपाड़ा टीम इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल में दोनों भी टीमें आमने सामने रहेंगी
लेकिन यहाँ पर वापसी करनी होगी बोईरपाड़ा टीम को। दुर्गेश मेरे ख्याल से अब आक्रमण पर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, सुंदर सुरुआत, अभी झकास आणि झोकात अशी सुरुवात जबल टीमच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून। एकूण धावसंख्या धावपळकर 17 धावा आणि या सर्वच्या सर्व धावा या अजय या खेळाडूच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत। 6 चेंडूचा सामना केला अजयनं, 17 धावा त्याच्या बॅटमधून आणि एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल जबलपाट टीमसाठी। इथे मात्र धावांवर अंकुश लावण्यासाठी, आळा घालण्यासाठी मात्र विकेट पटकावे लागतील, कारण दोन्ही खेळाडू खूपच घातकी खेळाडू आहेत, अगदी डेंजरस खेळाडू आपण म्हणू शकतो, ज्यांकडे चांगली क्षमता आहे। सुरेश पारधी 129 धावा आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये त्यांनी नक्की जोडलेले आहेत, अर्धशतक सुद्धा त्याच्या नावावर आहे आणि अजय खूपच आक्रमक फलंदाजी करतोय। देखिए इस सीजन में नंबर वन पर रैंक कर रहे पीटीसी में जामुलपाड़ा टीम, उसके पीछे बड़ा कारण ना सिर्फ उनकी बल्लेबाजी है बल्कि गेंदबाजी भी। बल्लेबाजी में हम देखते हैं कि सुरेश पारधी, अजय पारधी, विजय पारधी, हनुमान जैसे अनुभवी खिलाड़ी है। विजय पारधी और अजय पारधी तो युवा है, लेकिन सुरेश पारधी और हनुमान पारधी काफ़ी अनुभवी है। ये दो सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी है और युवा खिलाड़ियों में गेंदबाजी में हम देखें तो भावेश पारधी ऑलराउंडर है, बढ़िया बैटिंग भी करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी भी, और विक्की विशाल जैसे और युवा खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही संतुलित टीम है जामुलपाड़ा टीम। नेवर लेकर दुर्गेश राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद यॉर्कर की कोशिश, ड्राइव किया है सीधे फील्डर के पास, यहां पर रन आउट का अवसर, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, आखिरकार पहुंच गए अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज अजय पारधी। करारा स्ट्रोक था लेकिन सीधे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में गेंद चली गई थी। सन्माननीय शैलेश पाटील साहेबांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे। सन्माननीय शैलेश पाटील उर्फ बाळा दरेपाडे गावचे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम 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 स्वर्गीय हेमस्मृती चषक 2020 मध्ये सन्माननीय शैलेश उर्फ बाळा पाटील यांचं शुभागमन आहे। आणि या उत्कृष्ट खेळाडूसुद्धा आहेत दरेपाडा टीमचे, व्यासपीठाची निश्चितपणे शोभा वाढवताना हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। सुपर संडे का ये कुल मिलाकर तीसरा मैच, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला लेट हेमंत मेमोरियल ट्रॉफी 2020 का। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एससीसी पड़गा टीम और साजिद शेख द्वारा। सुरेश पारधी के पास अब स्ट्राइक, अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है, बढ़िया फॉर्म में है, 129 रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। ये गेंद घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई शॉर्ट पॉइंट पर, वहाँ पर 1 रन लेग बाय के जरिए पूरा करते हुए, अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेल बैठे थे वहां पर सुरेश पारधी। दुर्गेश बद्दल आपण नक्कीच चर्चा करत होतो, अजय ज्या पद्धतीची त्याची गोलंदाजी या नक्कीच स्पर्धेमध्ये राहिलेली आहे आणि पुन्हा एकदा निश्चितपणे चांगली कामगिरी करताना, आतापर्यंत 2 चेंडूंची हाताळणी केली आणि 2 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केलेत, तर दोन्ही सेटल खेळाडू आहेत आणि निश्चितपणे त्यांना थांबवण्याचा हा त्याचा मानस आहे आणि चांगली गोलंदाजी, अगदी अचूक टप्प्यावर त्याची गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते। काफी महत्वपूर्ण रहेंगे उनके ओवर्स, देखना है 1 ओवर करते हैं या 2। ओहो, ये बल्लेबाज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जन्नाटेदार शॉट, 6 रन। खेळाडूमध्ये सगळ्याच खेळाडूमध्ये टॅलेंट असतं, परंतु त्याचं फॉर्ममध्ये असणं खूपच गरजेचं आहे। इनफॉर्म बॅट्समॅन आहे, या सत्रामध्ये पाहिलं तर अगदी प्रत्येक स्पर्धेमध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन, चांगलं योगदान अजय असं राहिलं आहे संघासाठी आणि या सामन्यामध्ये क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, अक्षरशः तुटून पडला आहे, पूर्णपणे गोलंदाजांचा धुव्वा उडवला जातोय, षटकारांची भाषा बोलतोय, संघाची धावसंख्या वाढते फुलते 25 धावा। देखिए उनके पास ताकत है सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ ताकत से आप अच्छे बल्लेबाज नहीं बन सकते हो, टाइमिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग भी लाजवाब देखने को मिल रही है। बढ़िया गेंद इस पर, यॉर्कर लेंथ, क्या किनारा लगा था वहां पर, देखना होगा रिप्ले में, अंदर की तरफ आई थी गेंद पड़ने के बाद और बाउंस पर चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में, बढ़िया वापसी सिक्सर लगने के बाद इस ओवर में दुर्गेश भुईर द्वारा। कुल मिलाकर 6 विकेट चटका चुके हैं पहले 2 मैचेस में दुर्गेश, एक बार फिर से चले राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार सामने की दिशा में लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जज कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं, उनके सिर के ऊपर से एक और छक्का। अविश्वसनीय खेळ खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये अजय, नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये श्रीरामपूर जाफराबाद टीमचा खेळाडू अजय नक्कीच मैदानाला आग लावतोय,
अगदी चार चांद लावतोय। तर समोरच्या कक्षामध्ये अजय घरत सुद्धा लगेच आपल्या आवाजाच्या माध्यमातून चार चांद लावत आहेत। चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर आहे, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न केला जातोय, दरम्यान दोन धावा कंप्लीट होतील आणि इथे मात्र धावांचा जणू काही नक्कीच डोंगर उभारण्याची तयारी खेळाडूंची पाहायला मिळते। षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ असताना अर्थात दोन षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या धावफटकावर 33 धावा, 33 रन ऑन दी बोर्ड विदाउट लॉस। पहिल्या विकेटसाठी एक जबरदस्त पार्टनरशिप पाहायला मिळते, 33 धावांची अभेद्य पाहायला मिळते, भागीदारी पाहायला मिळते या अजय अँड सुरेश पारदी या खेळाडूमध्ये। सुरेश पारदी याच्या बॅटमधून कुठल्या प्रकारची धावा आलेली नाही आहे, जितक्या धावा आलेल्या आहेत त्या सर्वच्या सर्व धावा निश्चितपणे या अर्थात 32 धावा या अजय याच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत। कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं जामुलपाड़ा टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, खास तौर पर सलामी बल्लेबाज अजय पारदी और सुरेश पारदी। और ज़्यादातर रन्स दोनों भी बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की मदद से बनाए हैं, चौकों छक्कों में डील कर रहे पूरे टूर्नामेंट में। सुरेश पारदी तो लीडिंग रन स्कोरर है, 129 रन, हालांकि इस मैच में अभी तक खाता उनका खुला नहीं है। बबलू पाटिल भी उनके साथ ही है, 129 रन उनके खाते में भी है इस टूर्नामेंट में, और बबलू ने एक मैच कम खेला है। यानंतर आपण या स्पर्धेचा तिसरा क्वार्टर फायनल सामना पाहणार आहोत, संजय स्पोर्ट्स सावध वर्सेस माऊली स्पोर्ट्स आमने। तर दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे, कारण या डावानंतर अर्थात जामुलपाड टीमच्या इनिंग्सनंतर आपण लगेचच नाणेफेक करणार आहोत, तर कुठल्या प्रकारचा विलंब न करता आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबावं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, टोलना का एंड से अब मनीष भोईर आक्रमण पर, स्वीप करने की कोशिश, इनसाइड एज गेंद शॉट फाइन लेग पर जाती हुई, गलत एंड पर थ्रो और एक रन वहां पर पूरा होता हुआ। स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन मिडिल नहीं कर पाए सुरेश पारदी, खाता खुलता हुआ सुरेश पारदी का, और अब सही मायनों में लीडिंग रन स्कोरर इस टूर्नामेंट में सुरेश पारदी। बबलू को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, 130 रन हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। चौथा मुकाबला खेल रही है जामुलपाड़ा टीम, चौथी पारी है ये सुरेश पारदी की, 146 रनों की पारी और एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं, 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी उन्होंने दूसरे दिन के खेल में। करंट रन रेटचा जर विचार केला तर 15.69 करंट रन रेट आहे आणि याच जर वेगाने टाईम वॉर्न केलं जातंय पंचांच्या माध्यमातून, विनंती असेल भोईरपाडा टीम, पहिली वॉर्निंग आपल्याला दिली जाते। तर याच सरासरीने जर धावा जमवत राहिले तर निश्चितपणे 80 अधिक धावा धावफळकर असू शकतात। आणि इथे मात्र हवा हवाई शॉट, चेंडू खूपच दूरवर डिपॉझिट केला जातोय, आउट ऑफ द पार्क षटकार। कपच्या दिशेनं चांगलं क्षेत्ररक्षण, एका धावेवर समाधान व्यक्त करावं लागते, एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, 41 धावा, 41 रन विदाउट लॉस। अजय पारदी के बैटिंग की सबसे अच्छी बात ये रही है सूरज इस टूर्नामेंट में कि सीधे बैट से ज़्यादा स्ट्रोक खेले उन्होंने, बैकआउट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ साइड या ऑन साइड में ज़्यादा खेलने का प्रयास नहीं करते, क्रॉस बैटेड शॉट्स बहुत कम खेले हैं और जब खेले हैं तो वो भी बहुत खूबसूरती के साथ खेले हैं, मिड विकेट के ऊपर से भी कुछ छक्के लगाए हैं, लेकिन डाउन द ग्राउंड बहुत बढ़िया खेलते हैं, वी में अच्छा खेलते हैं। सुरेश पारदी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले ही खेल बैठे थे, धीमी गति की गेंद थी, अच्छी गेंद मनीष द्वारा, विकेट की सख्त ज़रूरत है, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है, रन संख्या 41 बिना किसी नुकसान के। अजून षटकातील काही चेंडूंची फेकी शेष आहे, पुन्हा एकदा मनीष उड़ विकेट ना, लोअर फुटो चेंडू होता परंतु आज सुरेश पारदी याचं काहीतरी बिनसलं, चेंडू बॅटवर येत नाही आहे, 10% सुरेश पारदी दिसत नाही आहे, कारण या क्रिकेट ग्राउंडवर अतिशय जबरदस्त फलंदाजी त्याची आत्तापर्यंत राहिलेली आहे, परंतु या क्वार्टर फायनलच्या सामन्यासाठी मात्र स्ट्रगल करताना दिसतोय, धडपडताना दिसतोय। जब से आए हैं तब से स्क्वेअर लेग की तरफ ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं।
इस बार सामने उठाया है, वाइड डिप मिड विकेट की तरफ खेला है, चार रनों के लिए बढ़िया टाइमिंग। और इसी बीच शुभ आगमन होता हुआ मंच पर जनाब यासीन शेख साहब का, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सुपर संडे में लेट हेमंत मेमोरियल ट्रॉफी 2020 में। आखिरकार एक कनेक्ट कर ही लिया वहां पर सुरेश पारदी ने, पहला चौका सुरेश पारदी के बल्ले से। आत्मविश्वास वाढवणारा हा चौकार असेल। दरम्यान तीन षटकाची समाप्ती झाली, तब्बल 12 धावा इथे मात्र खर्च केल्या गोलंदाज मनीष यानं। संघाची धावसंख्या न थांबणारी अनस्टॉपेबल, 45 धावा धाव फटकावर, अभेद्य भागीदारी आहे, अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन, पहिल्या विकेटसाठी आक्रमक असा खेळ या खेळाडूंच्या माध्यमातून। यानंतर होणारा सामना आहे या संजय स्पोर्ट्स सावध वर्सेस माऊली स्पोर्ट्स आमने या दोन संघादरम्यान तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहणार आहोत। तर त्यासाठी दोन्ही संघांच्या संघटनेकडून विनंती आहे, आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे। तसेच विनंती असेल बोईरपार टीमच्या खेळाडूंना, जास्त वेळ घेऊ नका, आपल्याला दिलेल्या वेळेत आपण 5 षटकं पूर्ण करायचे आहेत, अर्थात 25 मिनिटामध्ये आपल्याला 5 षटकं पूर्ण करायचे आहेत। तर तीन षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे। ऋषिकेश यानं पहिलं षटक हाताळलं P1चं, ज्यामध्ये 17 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर दुर्गेश यानं 16 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर मनीष यानं 12 धावा, अर्थात फलंदाजीमध्ये थोडीफार कन्सिस्टन्सी पाहायला मिळते। गोलंदाजीचा जर विचार केला तर खूपच महागडी अशी गोलंदाजी सर्वच गोलंदाजाच्या माध्यमातून। इथे मात्र आता बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय, पुन्हा एकदा दुर्गेश, दुर्गेश वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक चौथं षटक हातळण्यासाठी या बॉलिंग मार्कवर सज्ज आहे। परेश को कहीं ना कहीं अलग करना होगा, बल्कि दुर्गेश को, परेश तो विकेट कीपर की भूमिका में है, दुर्गेश को विकेट यहाँ पर निकालना होगा अपनी टीम के लिए। समय का प्लीज ख्याल रखें। देखिए बोईरपाड़ा टीम आपको एक वार्निंग दी जा चुकी है समय के मामले में, आज इसके बाद भी हमें और 5 मैचेस कंप्लीट करने हैं, फाइनल मैच भी आज ही होना है, तो प्लीज समय के मामले में सहयोग करें। अजय के पास स्ट्राइक, टॉस गेंद, इस बार एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, ताकतवर शॉट जरूर खिला था लेकिन बल्ले के थोड़ी अंदर लगी, मिडल नहीं कर पाए, जिस वजह से केवल एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ा है वहां पर अजय पारदी को। थोड़ी सी निराशा अपने आप से सिर हिलाते हुए वहां पर कि मौका गवा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बिना किसी नुकसान के। एक और जबरदस्त साझेदारी सुरेश पारदी और अजय पारदी के बीच में, डोमिनेंट पार्टनर इस पार्टनरशिप में रहे हैं अजय पारदी। सुरेश पारदी ने केवल 5 रन बनाए हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। पहले ओवर में 17 रन आए थे, दूसरे ओवर में 16 रन, तीसरे ओवर में 12 रन, तो तीसरा ओवर थोड़ा सा किफायती रहा। सन्मान्य अनंता जाधव साहब का शुभ आगमन, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इसी बीच इनसाइड एज, फ्रेंच कट, लेमन कट, जो चाहे नाम दीजिएगा, रन्स मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन एक ही रन लिया है, 2 रन आसानी से मिल सकते थे, डिप फाइन लेग पर चली गई थी गेंद। कहीं ना कहीं सुरेश पारदी भी समझ गए हैं कि आज उनके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लग रही है, उस वजह से ज़्यादा स्ट्राइक अब अजय को देने के प्रयास में। 40 पर बैटिंग करते हुए अजय पारदी, अर्धशतक से केवल 10 रन दूर। दुर्गेश राइट आर्म ओवर द विकेट, ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, अच्छी गेंद, यहां पर मौका बन सकता है, हेजिटेशन है लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण, मिसफील्ड हुआ और उसके चलते 2 रन पूरे। तालमेल की कहीं ना कहीं कमी नजर आई थी, बहुत बड़ा हेजिटेशन मिक्सअप वहां पर हो ही रहा था लेकिन फील्डर भी गलती कर बैठे और आखिरकार 2 रन कंप्लीट। स्ट्राइक अभी भी अजय पारदी के पास, 42 पर पहुंचते हुए अजय, टीम का स्कोर 49। अर्थात अर्धशतक इनिंग निश्चितपणे तो खेळू शकतो आणि या जवळपास आहे, 42 धावा आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत। दुर्गेश उर्ध विकेटनं पावलांचा उपयोग केलाय आणि या अतिशय सुंदर फटका आहे, मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय, या गगनचुंबी षटकार। इथे मात्र बोईरपार टीम पूर्णपणे या नक्कीच अडचणीत पाहायला मिळतोय। शुभेच्छा आलेल्या आहेत जगदीश भोईर, भोईर पाडा यांच्या माध्यमातून, आणि संघ नक्कीच अडचणीत आहे, शुभेच्छांची सुद्धा गरज आहे। अजय स्ट्रायकर इनला आणि या षटकारासोबत 50 धावा आपल्या नावावर नोंदवतोय फलंदाज अजय पारदी।
विकेट न पुन्हा एकदा यावेळे सुद्धा अजून एक येईल चन्नाकेदार षटकार हॅट्रिक साठी सन्माननीय सोहेल भाई शेख यांच्या माध्यमातून एक्स्ट्रीम जिमचा एक महिन्याचं पॅकेज फ्री आहे तर नक्कीच त्याचा सुद्धा खेळाडू लाभ उचलू शकतो. संघाची धावसंख्या आपण पाहणार आहोत. धावफळकावर पाहिलं तर एक नक्कीच मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. 67 धावा बिनबाद प्रथम फलंदाजी करताना या क्वार्टर फायनल गेममध्ये या जांभूळपाडा टीम 67 रनों की नाबाद पार्टनरशिप केवल 4 ओव्हर्स में दुर्गेश काफी महंगे साबित हुए. कहीं ना कहीं गेम प्लान काफी अलग नजर आया आज जय महाराष्ट्र भोईरपाड़ा टीम का. दुर्गेश अच्छे फॉर्म में चल रहे थे गेंद के साथ, लेकिन आज गेंदबाजी की शुरुआत की ऋषिकेश ने, जिन्होंने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए. दुर्गेश ने कुल मिलाकर दो ओवर में 38 रन खर्च किए, कोई भी विकेट उनको नहीं मिला. मनीष सबसे किफायती बॉलर है अभी तक इस मैच में, जिन्होंने 12 रन अपने ओवर में खर्च किए, लेकिन उनको भी कोई विकेट नहीं मिला है. विकेट के लिए तरसते हुए गेंदबाज इस समय जय महाराष्ट्र भोईरपाड़ा टीम के. अजय पारदी 60 पर बैटिंग करते हुए केवल 18 गेंदों का सामना किया है. ये टूर्नामेंट रिकॉर्ड्स वाला टूर्नामेंट है. समय के मामले में प्लीज सहयोग करें भोईरपाड़ा टीम के कैप्टन परेश भोईर के हाथ में अब गेंद नजर आती हुई पारी का आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए टोल नाका एंड से. सुरेश पारदी केवल बल्लेबाजी एंजॉय कर रहे हैं अजय पारदी की. हालांकि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है एक मैच में वो सुरेश पारदी के नाम है. इस टूर्नामेंट में 65 रनों की पारी खेली थी उन्होंने. इस बार मिस टाइम कर बैठे गेंद सामने, लेकिन फील्डर थोड़े दूर है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए सुरेश पारदी खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन लीडिंग एज लगा था, गेंद लॉन्ग ऑन पर चली गई थी. देखना है सुरेश पारदी का रिकॉर्ड तोड़ पाटते या नहीं. हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर एक मैच में 65 रन सुरेश पारदी के नाम, लेकिन इस समय अजय पारदी 60 पर है. अच्छा अवसर है, ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं. और जिस तरह के टच में है, यदि वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं होने वाला है. नक्कीच ज्या पद्धतीने फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होत आहे अजय पारदी याच्या माध्यमातून कठीण नाही आहे अजयसाठी. एक धुवाधार विध्वंसक विस्फोटक खेळाडू परेश राउंड द विकेट ना चांगला चेंडू आहे. यावेळेस मात्र चेंडूवर नजर ठेवता आली नाही आहे बॅट्समॅनला. कंट्रोल गमावलं होतं. दरम्यान निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो. शेवटचं षटक स्लॉग षटक आपण पाहतोय. संघाची धावसंख्या 68 धावा एक विशाल आव्हानाकडे अग्रेसर होताना दिसतोय. श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा टीम सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी ही लढाई आपण पाहतोय. तुंबल युद्ध पाहतोय. मिस टाइम शॉट आहे. यष्टीरक्षक डाऊन दी बॉल. ओहो हो झेल सुटतोय तारे जमीन पर आणि इथे मात्र धाव कंप्लीट केली जाते. दो रन तो आसानी के साथ बन सकते थे, लेकिन उससे पहले तो विकेट आसानी के साथ मिल सकता था. कैच ड्रॉप कर दिए हुए वहाँ पर विकेट कीपर. कुछ भी भोईरपाड़ा टीम के फेवर में नहीं हुआ है इस पारी में. परेश हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस आखिरी ओवर में. अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष. रन संख्या 69 रन. देखिए भोईरपाड़ा टीम के पास भी अच्छे बल्लेबाज है. 70 तक का टोटल वे भी क्षमता रखते हैं कि चेज कर सकते हैं. हालांकि कड़ी मशक्कत और मेहनत बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये जो बची हुई 3 गेंदें हैं वो नियंत्रण के साथ करनी पड़ेगी गेंदबाज को. सुरेश के पास स्ट्राइक. अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार रिवर्स स्वीप किया है. पॉइंट को बीट करने में कामयाब. गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. कुठल्याही गोलंदाजावर दयामाया दाखवली जात नाहीये. अफलातून क्रिकेटचा खेळ, अफलातून क्रिकेटचा नजारा या स्वर्गीय हेमंत स्मृती चषक 2020 मध्ये श्रीराम स्पोर्ट जांभूळ टीमच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र रिव्हर्सचा असर बाहेर काढलं सुरेश पारदी यानं. धावांचा डोंगर इथे उभारण्यात आलेले 73 धावा 73 रन ऑन दी बोर्ड. धावलांचा उपयोग केलाय आणि या जबरदस्त शॉट. चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय या 6 धावांसाठी षटकार.
कैलास कॉल देत आहेत सावध टीम कडून, साजिद शेख असं त्यांचं म्हणणं आहे. कॉइन खाली गेलंय मात्र आलेला आहे साजिद शेख, यस जो कॉल दिला होता तेच आलंय. तर दोन्ही मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो, आपल्याला विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर विराजमान व्हा. थँक्यू सो मच. कैलास जो कॉल दिला होता तेच आलेला आहे, अगदी मनासारखं घडले. आता निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण करणार. क्षेत्ररक्षण करणार, प्रत्येकी 5 षटकांची ही लढत असणार आहे. थोडासा फॉर्मॅट तुमच्यासाठी कुठेतरी बदलत राहिलं आहे, काही 3 षटकांचे सामने, काही 4 षटकांचे, काही 5 षटकांचे देखील सामने तुम्हाला खेळायला मिळत आहेत. तर ही खूप छान संधी आहे, काय बोलाल या संधीबद्दल? मी तर बोलतो पडघा टेनिस क्रिकेटमधला हे पहिल्यांदा आम्ही इकडे खेळतो, आणि 5 ओव्हरचा षटकात बोलतलं तर चांगलंच आहे आपल्यासाठी, ग्रामीण क्रिकेटसाठी 5 ओव्हरचा बोलतला तर खूपच ओव्हर झाल्या माझ्या मतेने, आणि आम्ही चांगला प्रयत्न करू रन रोखण्याचा सामन्यावर. काय वाटतं की 5 षटकांच्या सामन्यासाठी तुमच्या संघामध्ये चांगला बॅलन्स आहे की नाही? हो आहे नक्कीच, किरण आहे, स्वप्नील लखन आहे, खंडू पण आहे, त्यांच्यावर जास्त अनुभव आहे. साधारणतः काय टोटलपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील आमणे संघाला? आपला जवळचाच संघ आहे, 40 रोखण्याचा प्रयत्न करू. त्यासाठी मी आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा देतोय. कुमार, टॉस तुम्ही गमावलाय मात्र तुम्हाला बॅटिंग देण्यात आलेली आहे, आणि मला वाटतं तुमच्याकडे देखील खूप चांगलीच बॅटिंग आहे. तर साधारणतः काय टोटलपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न राहील? 50+. तुमच्या व्यतिरिक्त इतर कुठले फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून तुम्हाला या अपेक्षा आहेत? अपेक्षा तर सागर सत्यम अजून करून. निश्चितच सागर फुलोरेनं खूप चांगली कामगिरी केली, अष्टपैलुत्व सिद्ध केलंय, त्याला सामनावीराचे पुरस्कार मिळाले देखील आहेत. परंतु मी म्हणेन की सत्यमचा देखील सिंहाचा वाटा आहे, तुमचा संघ इथपर्यंत पोहोचलाय, तर सत्यमबद्दल काय बोलाल? सत्यम तर खूपच, त्याच्यावर तर भरपूर आमचा विश्वास आहे, आता पण असेल. संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे नाही, सेम सेम टीम आहे. थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील मी हार्दिक शुभेच्छा देतो या क्वार्टर फायनल मॅचसाठी. तर मित्रांनो, हा तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना असणार आहे, थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होईल. आणि नाणेफेकीमधून समाचार असा आहे की संजय स्पोर्ट्स साऊथ टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला, त्यांनी प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आहे. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू अजय घरत. 81 रनों की चुनौती रखी है बोईरपाड़ा के लिए जामुलपाड़ा ने. दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर ऋषिकेश और कुणाल आए हुए, सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का पड़गा के विजय मालिया साजिद शेख की तरफ से हार्दिक स्वागत है. लेट हेमंत ट्रॉफी 2020 में आज सुपर संडे और सुपर मुकाबले हम देख रहे हैं. देर शाम ग्रैंड फिनाले इस स्पर्धा का, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग पोजिंग. इस बीच पहले गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाला है, लेकिन उससे बढ़िया फील्डिंग एक से ज्यादा कुछ भी नहीं ऋषिकेश के लिए. इस एक रन से अपना और अपने टीम का खाता खोला ऋषिकेश ने. निकिता टिकट मात्र शुभ आगमन होता है भूरपाड़ा गांव समाजसेवक सन्मान्य भालचंद्र भुईर आणि त्यांच्या समयुत सन्माननीय मंगीतजी शेलार. तर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थान आपण व्हायचं आहे. आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. बढिया गेंद सुरेश पारधी की डॉट के रूप में. वैसे भी सुरेश पारधी जो है, देखिए तालुका क्रिकेट के तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. यासिर शेख, सुरेश पारधी, विवेक शेलार. आणि नक्कीच त्यांच्या समयुत भोरपाडा गावातील प्रसिद्ध उद्योजक मिस्टर जयेश चौधरी यांचं सुद्धा अटिंग शुभ आगमन झालं आहे. तर आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन स्थान आपण व्हायचं आहे. सर्व मान्यवरांचं स्वर्गीय हेमंत स्मृती जी 2020 हार्दिक स्वागत आहे. इस बीच अगेन मिस ट्राई मिस टोके अधूरे मन से खेला, अगेन हवा में दूर से फील्डर आए, बढ़िया कैच, पहला झटका लगता हुआ भोरपाडा को कुणाल के रूप में. नए बल्लेबाज दुर्गेश आए, टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर. अब यहां से भोईरपाड़ा को एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत है, एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है योगी, क्योंकि 81 रनों का लक्ष्य है. समीकरण इतना आसान नहीं होगा बिना पार्टनरशिप के. होणे की तर हायलाइट क्रिकेट इथं मात्र खेळावं लागेल, कारण खूप मोठं टार्गेट आहे त्यांच्यासमोर. 81 धावांत 24 या ठिकाणी पाहिलं तर 5 षटकामध्ये मात्र टार्गेट पूर्ण करायचं आहे. आणि देखील 2 षटकं ही पहिली तर पाहिली पॉवर प्लेची, तर नक्की ही खूपच त्यांच्यासाठी महत्वाची असणार आहेत.
बिल्कुल, अगर पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी नहीं हुई तो हम कह सकते कि मैच जामुलपाड़ा के पक्ष में जाएगा। इस बार पेस परिवर्तन किया था, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, छोड़ दिया वहां पर ऋषिकेश ने गेंद को, डॉट गेंद। केवल एक रन आया अब तक इस ओवर में और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे सुरेश पारदी। पहले दिन से छाए हुए, पहले मैच से छाए हुए इस वक्त लेट हेमंत ट्रॉफी 2020 में सुरेश पारदी सबसे ऊपर परफॉर्म करते हुए। इस बार पटकी पे गेंद बैकफुट पे जाके ड्राइव किया, गेंद को फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, केवल दिशा दी थी। इस एक रन से स्कोर दो पर पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर। बोईरपाड़ा स्पोर्ट्स 81 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। खूप छान गोलंदाजी इथे मात्र पाहिली तर सुरेश पारदेच्या माध्यमातून निकित पाहायला मिळते। या स्पर्धेमध्ये निकित अजय पारदे असेल, सुरेश असेल, निकित सर्वांनी मात्र निकित या ठिकाणी मात्र मान्यवरांची प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत। आपल्या खेळाच्या या वृत्तीमुळे जबरदस्त कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। इस बीच अगेन गेंद को खेल दिया कवर्स में, एक रन बना, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, बढ़िया थ्रो था लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंचे बल्लेबाज दुर्गेश। इस एक रन से स्कोर तीन पर पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले में पुअर बल्लेबाजी हम कहेंगे इस वक्त भोईरपाड़ा स्पोर्ट्स की। केवल तीन रन बनाए, एक विकेट खोया है, 81 का लक्ष्य है। बढ़िया गेंदबाजी सुरेश पारदी द्वारा। निकित ज्याप्रमाणे सुरुवात मिळणं गरजेची होती भोईरपाडा संघाला, निकित तशा प्रकारे सुरुवात मात्र ठिकाणी पाहायला मिळत नाही। कारण निकित जबरदस्त षटक इथं मात्र आपण सुरेशच्या माध्यमातून पाहिलं, फक्त तीन धावा खर्च केल्या आणि निकित एक महत्त्वाचा विकेट सुद्धा निकित या षटकामध्ये मात्र प्राप्त केला। तर आता मात्र येणारे 24 चेंडू आपण निकित या ठिकाणी पाहू शकतो आणि 24 चेंडूमध्ये अजूनही जिंकण्यासाठी या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर 78 धावा इथे मात्र निकित पाठलाग करावा लागेल। टार्गेट खूप मोठा आहे, पॉसिबल निकित आहे, परंतु निकित तुम्हाला त्याच्यासाठी चांगली दर्जाची फलटकेबाजी ते मात्र करावं लागेल। क्षमता जर पाहिली तर दुर्गेशकडे सुद्धा क्षमता आहे, नंतर आपण जर पाहिलं तर फलंदाज ऋषिकेशकडे निकित अनुभव आहे। परंतु निकित पाहूया ही जोडी कशा रीतीने आपल्या संघाला सावरते। आणखी दुसरं षटक पाहिलं तर पावर प्ले षटकाला इथे मात्र गोलंदाज सुरुवात करतो या क्रून विलेट टोकाकडनं विशाल। अब दूसरे ओवर के लिए विशाल को मोर्चे पर लगाया गया, गेंदबाजी करेंगे क्रून नेंड से जबकि सामना करेंगे दुर्गेश। विशाल की अगेन फुलर लेन की गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव रन के लिए जा रहे और एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, चार पर पहुंचा स्कोर। इस स्पर्धा के लिए हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है माननीय श्री महेश राउत जी ने, आपका विशेष आभार। सेकंड और थर्ड प्राइज स्पॉन्सर, सेकंड और थर्ड प्राइज स्पॉन्सर पड़गा के यंग एंड डैशिंग सरपंच पड़क पाटोले जी और संदीप ठाकरे की तरफ से। फोर्थ प्राइज भी हमें महेश राउत जी ने दिया है, पराग पाटोले जी ने दिया है। इस बार बैकफुट पे गए, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद जा रही है डीप में बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। त्याच्याकडे आहे तो निकित अनुभव इथं मात्र पाहायला होतोय। अनेक अशा पटक्यामध्ये निकित त्याला खूपच आपण जर पाहिलं तर अनेक स्पर्धेमध्ये आपण खेळताना पाहिलेले आहेत, क्लासिकल फटके निकित त्याच्या बाटपद आपण अनेक वेळा पाहिलेले आहेत आणि अशाच फटक्यांचे प्रकारचे फटक्यांची आता मात्र आवश्यकता असेल भोईरपाडा संघाला। विशाल इस बीच अगेन मोर दिया गेंद को, गेंद जा रही है ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन से स्कोर 9 पर पहुंचा है। बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक ट्रॉफी हमें इस स्पर्धा के लिए स्पॉन्सर की है भोईरपाड़ा की मशहूर हस्ती माननीय श्री भूपेश भोईर जी ने, जो इस वक्त वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ा रहे, आपका भी विशेष आभार। विशाल इस बार गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस स्पर्धा के लिए टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया हमें कुरुन की मशहूर पर्सनालिटी माजी सरपंच माननीय श्री सचिन पाटिल जी ने, आपका भी विशेष आभार। सचिन पाटिल तो वैसे भी हर क्रिकेट के शो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते रहते हैं, कई ऐसी महान हस्तियां हैं पड़गा और उसके परिसर में। तारिक रईस का भी विशेष आभार।
इस बीच अगेन लेट कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, खराब फील्डिंग, गेंद जा रही है डीप में, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। शॉर्ट टर्म मध्ये दिशेने पाल आंबलालं, नक्कीच आपण जर पाहिलं तर चेंडू आणि क्षेत्रामध्ये एक रेस लागली होती त्या ठिकाणी, परंतु नक्कीच शेवटच्या क्षणी मात्र चेंडूचा विजय होतो, या चार धावा इथे मात्र पाल आंबलाल्या। विशाल अच्छी गेंद नीची बैकलिफ्ट से खेला है, खेलना चाहते थे ऊंचा स्ट्रोक, सफाई से नहीं खेल पाए। डीप स्कोर लेग पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 15 पर पहुंचा है। कोशिश हो रही होगी बड़े स्ट्रोक लगाने की, लेकिन गेंदबाजी जो है वो सुपर से ऊपर होती हुई, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को ऊंचे स्ट्रोक लगाने का। हो नक्की दोनों पावर प्ले षटक आपण खेळली तर मात्र पाहिलं तर फक्त 15 धावा इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत, या ठिकाणी जर पाहिलं तर विशालने नक्कीच आपल्या स्पेल मध्ये तब्बल 12 धावा इथे मात्र खर्च केल्या। हालांकि बोईरपाड़ा और जामुलपाड़ा का अंतर देखे तो हम बहुत कम है, लेकिन इस वक्त मैच में रनों का अंतर बहुत बढ़ चुका है। अब बोईरपाड़ा के लिए 18 गेंदों में 66 रनों की जरूरत है, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, केवल 15 रन बनाए बोईरपाड़ा ने एक विकेट के नुकसान पर। सुरेश पारदी को कंटिन्यू रखा गया गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी करेंगे हैवे एंड से। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बल्लेबाज, ये क्वालिटी है सुरेश पारदी के पास, जब जरूरत होती तेज गेंदबाजी करते हैं, जब जरूरत होती है स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार घूमते रह गए बल्लेबाज, डॉट गेंद। इस स्पर्धा के लिए बहुत ही खूबसूरत मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सर किए विकी स्पोर्ट्स, सॉरी धनेश इलेवन के कर्ता धर्ता मान्य श्री पांडुरंग धर्मा पाटिल जी और दिलीप धर्मा पाटिल ने। इस बार लेट कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद, लगातार तीन डॉट गेंदे, दबाव अब और बढ़ाती हुई इस वक्त बोईरपाड़ा स्पोर्ट्स पर। अब कहना होगा कि दिल्ली की तरह लक्ष्य से बहुत दूर है बोईरपाड़ा, समझ नहीं पाए, खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, गेंद शरीर से आकर टकराई थी, वो गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए थे बल्लेबाज अपना बल्ला लेकर। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, एक रन मिला, इस एक से स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा है। इसके बाद अगला मुकाबला संजय स्पोर्ट्स सावद और माउली आमने के बीच है, खींच के लंबा स्ट्रोक मार खेलना चाहते थे बीट वे, डॉट गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर किया था गेंद को, खींच के मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में। सुरेश फिर एक बार अच्छी गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक गेंद, पीछे की ओर जा रही है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, मैच से और पीछे जाती हुई इस वक्त बोईरपाड़ा स्पोर्ट्स, तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 17 रन। अब हम कह सकते हैं कि मैच इतने आसानी से नहीं जीत पाएंगी बोईरपाड़ा, 12 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है, 32 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। गेंदबाजी के लिए भावेश को बुलाया गया और माइक्रोफोन पर आ रहे मेरे साथी कमेंटेटर योगी। इसके बाद अगला मुकाबला माउली स्पोर्ट्स सामने और संजय स्पोर्ट्स सावत के बीच। खूपच छान इथे मात्र गोलंदाजी जांभूळपाडा संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, आता मात्र जिंकण्यासाठी भूरगाव संघाला 12 चेंडू आणि नक्कीच 64 धावांचा इथे मात्र नक्कीच इथे टार्गेट पूर्ण करावा लागेल। पहिला चेंडू इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता, चेंडू हवेत आहे, डीप मिडकेटचा क्षेत्र जाऊन चेंडूच्या खाली पोहोचतो, या झेल घेण्याचा प्रयत्न करतो या, आणि कोणत्या प्रकारची चूक पाहायला मिळत नाही, अजून एक धक्का लागतो या ठिकाणी भूरगाव संघाला दुर्गेच्या रूपाने। फलंदाज बाद
दुसऱ्या दिवसाचा आपण जर खेळ पाहिला तर निकिता जय महाराष्ट्र बोरगाव संघाने जबरदस्त कामगिरी दुसऱ्या षटक दुसऱ्या दिवसाच्या खेळामध्ये निकिता त्यांच्याकडे पाहायला आलेली. परंतु इथे मात्र कुठेतरी मात्र पाहिलं तर स्ट्रगल करताना पाहायला आलेलं, कारण गोलंदाजीने खूपच नाराजी व्यक्त केली. परेश भुईरा निकिता एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतो आहे, परंतु निकिता यशस्वी मात्र होत नाही, कारण चेंडू जमिनीच्या साडी जातो आहे डीप मिडविकेटच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण करतोय धामलवाडा संघाचा. जर आपण विचार केला तर तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये जबरदस्त कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला आलेलं. त्यांची फलंदाजी जबरदस्त, इथे मात्र एका डोंगरा एवढा आव्हान उभा केला, तब्बल 80 धावा टोकल्या. आणि त्यानंतर त्यांची गोलंदाजी आणि गोलंदाजा साथ लाभली ती अर्थात क्षेत्रशिराची, खूपच छान. चेंडूला आपटी दिली, उगचा फटका आणि किती जबरदस्त टायमिंग, चेंडू लॉंग लेग सिमरच्या बाहेर जातो या. परंतु हिट विकेटच्या स्वरूपात मात्र ठिकाणी फलंदाज बाद होतोय. एक फटका निकित चांगल्या पद्धतीने इथे मात्र फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला, परंतु नशिबाची साथ मात्र ठिकाणी फलंदाजाला लाभली नाही, कारण फलंदाज हिट विकेटच्या स्वरूपात इथे मात्र प्रणय हा मात्र बाद होतोय. हमारे बीच मानसी राजेंद्र भोईर जी है और भालचंद्र भोईर जी और उनके साथ में मंगेश शेलार जी है, उनका हम स्वागत और सत्कार करने जा रहे हैं इस स्पर्धा के माध्यम से कमेटी की ओर से. लेट हेमंत ट्रॉफी 2020 में मैं पड़गा के विजय मालिया साजिश शेख से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमानों का स्वागत और सत्कार करें. खूप मोठी मोलाची उपस्थिती आपण पाहतोय. अनेकदा आपण जर पाहिलं तर भुईरगावातील एक्स क्रिकेटर आणि क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते आहेत सन्माननीय भालचंद्र भुईर यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करत आहोत. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक वन मॅन शो अर्थात साजिद शेख यांच्या शुभ हस्ते उबदार मॅचची शाल आणि त्यानंतर आठवण म्हणून या स्पर्धेतील सन्मानचिन्ह अर्थात मोमेंटो देऊन इथं आपण मान्यवरांना सन्मानित करत आहोत. त्यानंतर मंगेशजी शेलार आपणसुद्धा पुढे यायचं आहे, तुम्हालासुद्धा इथे मात्र सन्मानित केलं जाईल. तर डावातील अंतिम षटक विकी ओवर द विकेटने शॉटम पुल फटका बालामध्ये चेंडू हवेत आहे डीप शाखावरचा क्षेत्ररक्षक कुठेतरी मात्र चुकीचा जजमेंट त्यांच्या माध्यमातून पाहायला आलेला असं एक क्षण वाटला तो निकिता या ठिकाणी झेल होईल. परंतु निकिता शेवटच्या क्षणी मात्र चेंडू धरतीला दान होतोय आणि फलंदाजांनी इथे मात्र दोन धावा पूर्ण केल्या. पाऊस होता बराच वेळ चेंडू हवेत होता, परंतु निकिता कुठेतरी चुकीचा क्षेत्ररक्षण डीप शाखावरच्या दिशेने मात्र पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा विकी पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो या. परंतु चेंडूने बॅटमध्ये मात्र स्पर्श लागला होता, नक्कीच हलकासा स्पर्श पाहतोय. चेंडू एस्टेजच्या पाठीमागे गेला, नक्कीच चांगल्या पद्धतीने झेल टिपतो या. फलंदाज बाद. चेंडूचा आपण जर स्पीड पाहिला तर अतिशय वेगाने चेंडू फेकला होता, आणि तिथं पाहिलं तर एस्टेज सुरेश पारदे सुद्धा एस्टेजच्या पाठीमागे मात्र पूर्ण बीड झाला. आणि चेंडू नक्कीच आपण पाहिलं की नॉनस्टॉप सिमरच्या पलीकडे आपल्याला पाहायला आपल्याला विकी पुन्हा एकदा इथे मात्र निकिता शॉर्ट टर्म पुल करायचं होतं, परंतु कोणत्याही प्रकारचं कनेक्शन पाहायला मिळत नाही. तर निकिता विजयाकडे पूर्णपणे अग्रेसर होतो या. जबरदस्त कामगिरी जांभळवाडा संघाची निकिता पाहायला पाहिजे या सत्रामध्ये. आतापर्यंत तब्बल 5 स्पर्धेचं विजेतेपद या संघाने पटकावलं आहे आणि या स्पर्धेमध्ये सुद्धा जबरदस्त लगभग सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करतोय. जबरदस्त संघाची बांधणी या ठिकाणी सुरेश पारदेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते या. पुन्हा एक चांगला चेंडू शॉर्ट टर्ममध्ये क्षेत्र चेंडूला कलेक्ट करतोय, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न करतोय हनुमान पारदे, परंतु त्यांचा बायचा इशारा. अवंतर धाव इथे मात्र नक्कीचं पूर्ण केली जाते फलंदाजाच्या माध्यमातून. तर नक्कीचं भुईरगाव संघाने आपल्या नक्कीचं पाठीरेखाना पूर्णपणे नाराज केलं, कारण नक्कीचं खूपच खराब त्यांच्याकडनं
या ठिकाणी परफॉर्मन्स मात्र पाहायला आपल्याला पोहोचतो. नक्कीच पुढील स्पर्धेसाठी त्यांना नक्कीच आपण या ठिकाणी शुभेच्छा देऊया. अडव्या बॅटने फटका खेळला जातो, चेंडू पाहिला तर डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मात्र वेगाने जातो या. आणि अशा रीतीने या सामन्यावर विजयश्री एकतर्फा विजय प्राप्त करतो या ठिकाणी श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ. अनेक अनेक अभिनंदन, हार्ड लक जय महाराष्ट्र बहिरगाव. आणि आपण जाऊया सामन्यातील सामनावीर पुरस्काराकडे. नो डाऊट त्याने जबरदस्त धावांचा अगदी पाऊस पाडला. 20 चेंडूमध्ये तब्बल 61 धावांची धुपाणी केली, साकारली. आणि तो खेळाडू आहे श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाचा अजय पारधी. त्या इनिंग्समध्ये आपण जर पाहिले तर 7 षटकार आणि 2 चौकारांचा सुद्धा समाविष्ट आहे. पूर्णपणे इथे मात्र पाहिले तर गोलंदाजांची पिसं उपटली या ठिकाणी अजय पारधीने. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये तब्बल 100 अधिक धावा अजय पारधीच्या बॅटमध्ये नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. तब्बल 119 धावा त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहतोय, जबरदस्त कामगिरी. तर अजय थोडासा स्पीडअप करायचा आहे, आपण व्यासपीठाकडे या. तुम्हाला नक्कीच मान्यवरांचे शुभ असते, आपण या ठिकाणी पुरस्कार देऊन सन्मानित केला जाईल. आणि नक्कीच संजय स्पोर्ट्स सभा संघाला विनंती असेल की आपण क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना करायचे मैदानाच्या आतमध्ये. तर आपण या ठिकाणी सामन्यावरचा पुरस्कार देत आहोत. 20 चेंडूमध्ये 61 धावांची एक तुपाने केली, साकारली. जांभूळपाडा संघाचा हा विस्फोटक फलंदाज अजय पारधी आपण या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत. तर प्रथमतः आपण ट्रॉफी देणार आहोत. तर मी अनंत पारधी, जांभूळपाडा गावचे समाजसेवक, आपल्यास विनंती असेल की आपल्या शुभ असते आपण या ठिकाणी ही सुंदर ट्रॉफीज या ठिकाणी परिधान करूया. त्यानंतर यासिन सेकंडा विनंती करतो की आपल्या शुभ असते आपण पुढील गिफ्ट टॅम्पर देणार आहोत. त्यानंतर आदित्य स्पोर्ट पडघा संघातील विस्फोटक अष्टपैलू खेळाडू मिस्टर जयेश भगत यांना विनंती करतो की आपण कॅप परिधान या ठिकाणी करणार आहोत. आणि त्यानंतर सापेगावतील मोहम्मद शेख यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ असते आपण हॅपी पिन या ठिकाणी परिधान करणार आहोत. तर एका मॅन टू मॅचसाठी तब्बल 4 पारितोषिक आपण पाहत आहोत. तर जबरदस्त कामगिरी अजय तुझ्या माध्यमात आम्हाला नक्कीच पाहायला मिळाली. तुम्हाला नक्कीच पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा अँड बेस्ट ऑफ लक.